तो आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग भी इस बार रोडीज के ऑडिशन देने के लिए सोच रहे हैं एंड जो लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो भी आपके मन में डाउट है कि कितने बजे जाना चाहिए, कितने बजे गेट ओपन होगा, क्या क्या वहाँ पे लेके जा सकते हैं, सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इसलिए बने रहना एंड तक, कोई भी पॉइंट आपका बहुत ज्यादा काम आ सकता है वहाँ पे। हेलो एवरीबॉडी, दिस सचिन पुरी, कम बैक ओनली फॉर यू गाइस। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट ईयर मैं भी रोडीज के ऑडिशन देने गया था, चंडीगढ़ भी एंड दिल्ली भी। तो लास्ट ईयर की एक छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से देख लो। तो देखा आपने, ऐसा कुछ वहाँ पे माहौल होता है एंड बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साल की जो रोडीज की थीम है वो है रोडीज डबल क्रॉस। 20th सीजन होने वाला है एंड इसमें आपके पुराने फेवरेट रणविजय सर भी कम बैक कर रहे हैं। सो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस साल। सो सबसे पहले ऑडिशन की डेट्स एंड सिटीज आप लोगों को कन्फर्म कर देता हूँ। सो 13 अक्टूबर को दिल्ली में ऑडिशन होने वाला है, 15 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होने वाला है, 18 अक्टूबर को हैदराबाद में होने वाला है एंड 20 अक्टूबर को पुणे में होने वाला है। तो आई होप आप लोग सारे फुल रेडी होंगे इस बार। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सजेशन है कि जो लोग भी रोडीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, जो सच में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सिटीज में जाके ऑडिशन दो, ताकि आपको ज्यादा चांसेस मिले। ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह पे सिलेक्ट ना हो, तो सेकंड चांस में आप हो सकता है सिलेक्ट हो जाओ या थर्ड चांस में हो जाओ। तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सिटीज़ में आपको जाना चाहिए। मैं भी लास्ट ईयर चंडीगढ़ भी गया था एंड दिल्ली भी गया था एंड इस साल भी मैं जाऊँगा चंडीगढ़ भी एंड दिल्ली। तो सेकंड पॉइंट आता है कि कितने बजे आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक रात पहले जाके लाइन लगा लेते हैं। ये मिस्टेक मैंने भी पिछले साल करी थी चंडीगढ़ में। मैं एक रात पहले जाके खड़ा हो गया था एंड मेरा नंबर आया था नेक्स्ट डे की रात को। मतलब 24 आवर्स में भूखा प्यासा लाइन में खड़ा होता तब जाके मेरा नंबर आया था। तो ये डाउट मैं सबको क्लियर कर देता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है भाई एक रात पहले जाने की। आप सुबह सुबह अपना मॉर्निंग में उठो, 6-7 बजे तक आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे सबका ऑडिशन होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा लेट जाओगे तो आपका ऑडिशन नहीं होगा, बट हाँ गेट ओपन होने से पहले ही आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। अब बात आती है पार्किंग की। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम अपनी कन्वेंस से जाएंगे तो वहाँ पार्किंग होगी नहीं होगी। सो लास्ट ईयर जब मैं चंडीगढ़ गया था तो वहाँ पे तो मेरे को पार्किंग दिखी थी एंड जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे मेरे को पार्किंग का ऐसा कुछ फैसिलिटी दिखी नहीं। तो मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने कन्वेंस से जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपने कन्वेंस से जाओगे भी तो आपको कहीं कहीं आपको अदर पार्किंग में लगानी पड़ेगी एंड आपका पूरा माइंड आपकी गाड़ी पे ही लगा रहेगा, वहाँ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे मत जाओ। अब मेन पॉइंट आता है कि गेट कब ओपन होता है। सो भाई गेट का कोई देखो फिक्स टाइम नहीं है, जैसे ही उनका अंदर सारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो डोर को ओपन कर देंगे। अप्रॉक्स बता देता हूँ, 10 से 11 के बीच में आपका डोर ओपन हो जाएगा एंड आप अंदर एंटर कर दोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या वहाँ पे लेके जा सकते हैं एंड क्या क्या लेकर नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा। सो लास्ट ईयर का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो लास्ट ईयर दिल्ली ऑडिशन जब मैं गया था तो वहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड था, 4 से 5 हजार लोग तो होंगे एंड जैसे मैं डोर में एंट्री कर रहा था मैंने देखा कि एयरबड्स का पूरा भंडार लगा हुआ है, एयरबड्स, हेडफोन, इन सब का पूरा भंडार लगा हुआ है। ऑब्वियसली आजकल सारे एयरबड्स तो कैरी करके चलते हैं कि वहाँ पे लाइन में खड़े रहेंगे तो थोड़ा म्यूजिक सुन लेंगे, बट वो आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता, वो आपको बाहर ही निकाल देंगे। मेरा खुद का एयरबड्स उन्होंने बाहर निकाल दिया, जो कि आज तक नहीं मिला, वो आपको नहीं मिलेगा दोबारा। बहुत लोग परफ्यूम्स ले जाते हैं, बहुत लोग कुछ भी जो भी आप भी सामान लेके जाओगे सारा आपका सामान वो निकाल देंगे आपके बैग में से एंड वो भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसा ना हो ऑडिशन के चक्कर में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। बहुत कॉस्टली एयरबड्स लोगों के वहाँ पे पड़े हुए थे, एप्पल के एयरबड्स, एप्पल के हेडफोन और भी कॉस्टली वहाँ पे पड़े हुए थे, लोगों के परफ्यूम्स का पूरा भंडार लगा हुआ था। सो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं लेके जाना, क्योंकि जो भी आप लेके जाओगे वो सब कुछ आपका वहाँ पे निकाल देंगे। बाकी कोई अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके जाना चाहता है तो वो आप लोग लेके जा सकते हो। मैं भी लास्ट ईयर अपना गिटार लेके गया था, सो वो अलाउड है, वो आप लोग लेके जा सकते हो। तो इसके बाद आप ऑडिटोरियम में एंट्री ले लोगे। सो जैसे ही आप ऑडिटोरियम में एंट्री ले लोगे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा क्या हम लंच लेके जाएं या ना जाएं, कुछ खाने को वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आप सभी लोगों को मैं ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि वहाँ पे अंदर ऑडिटोरियम में कैंटीन है जहाँ पे आपको सब कुछ खाने के लिए मिलेगा, आप कुछ भी वहाँ पे खा सकते हो। बट हाँ बाहर से ले जाना अलाउड नहीं है, बाहर से आप कुछ खाने पीने का नहीं ले जा सकते अंदर। एंड वॉशरूम वगैरह सबकी फैसिलिटीज है वहाँ पे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो गया, आप वहाँ जा सकते हो। सो जैसे ही आप गेट में एंटर करते हो आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। सो उस टोकन नंबर को आपको लेके जाना है जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे उनके पास एंड उनको अपना टोकन नंबर देना है।
वो आपको आपका फॉर्म देंगे एंड आपकी चेस्ट पे एक लेबल लगा देंगे। तो ध्यान रहे आपका चेस्ट का लेबल ना हटे, क्योंकि वहाँ पे आपको नाम से नहीं बुलाएंगे, आपके चेस्ट नंबर से बुलाएंगे, तो ध्यान रखना कि वो गलती से भी ना हटे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ था मेरा लास्ट ईयर, सो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप अपने साथ पेन को कैरी करके जरूर लेके जाना, क्योंकि फॉर्म तो आप पेन से ही फिलअप करोगे ना, एंड वहाँ पे पेन के लिए इतनी ज्यादा मारा मारी है, मतलब आप खुद सोचो 4-5-6 हज़ार वहाँ पे लोग ऑडिशन देने आ रहे हैं, तो 5-6 हज़ार पेन वहाँ पे कैसे अवेलेबल होंगे। तो थोड़े पेन को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं एंड फिर ये बोलते हैं कि आप लोग शेयर कर लो एक दूसरे से, तो जब तक आपको पेन नहीं मिलेगा आप लोग बैठे रहोगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। सो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है जो लोग आपसे पहले ही लाइन में खड़े हैं उनका पहले नंबर आ जाएगा, आपका बाद में नंबर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर पहले उसी का आएगा जो सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करेगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपना पेन को कैरी करके लेके जाना। मेरे को नहीं पता पेन ले जाना भी अलाउड है या नहीं है, तो उसको छुप छुपा के कैसे भी करके पेन अंदर ले जाना एंड फटाफट से फॉर्म को फिलअप करना है आपको। घर से ही आपको सोच के जाना है कि आपको क्या आंसर उसमें लिखना है, ताकि आप ज्यादा टाइम ना लो, फटाफट से फॉर्म को फिलअप करना है एंड सबमिट कराना है। ऐसा भी हो सकता है जो लोग रात से आके खड़े हैं आपका नंबर उनसे भी पहले आता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिलअप करने में टाइम लगाया और आपने जल्दी फिलअप कर दिया, सिंपल। सो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट ईयर चंडीगढ़ में मेरे साथ यही हुआ था, मेरे को पेन ही नहीं मिला था, तो फिर मैं फॉर्म कैसे भरूंगा। जब मैंने फॉर्म भरा तो उसके बाद मेरा नंबर आया रात को 10:30 बजे, 24 घंटे बाद जाके मेरा नंबर आया, तो उससे मेरे को ये सीख मिली। तो ये मैंने मिस्टेक करी, वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक ना करो। सो अब बारी आती है फॉर्म की, फॉर्म आपको मिल गया, आपको फॉर्म फिलअप करना है। सो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि लास्ट ईयर का मेरे पास फॉर्म रखा हुआ है, सो अगर आप बोलोगे तो उसकी एक मैं वीडियो बना दूंगा, सारे उसमें क्वेश्चंस दिखा दूंगा आप लोगों को एंड उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 15-20 उसमें क्वेश्चन आएंगे एंड 90% क्वेश्चन ही सेम ही आते हैं, मतलब मैं भी लास्ट ईयर का फॉर्म पढ़ के गया था एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपके सेम आएंगे, बस वो थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे आपसे, बाकी सब सेम होगा। तो अगर आपको फॉर्म देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। बाकी एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ आपको कि मोस्टली उसमें क्वेश्चन आपके रिलेटेड ही होते हैं, कि आपका डीपेस्ट डार्क सीक्रेट क्या है, आपने एडवेंचरस चीज क्या करी अपनी लाइफ में, आपने क्या आपने किसी अपोजिट जेंडर को हिट किया है कभी, ये सब क्वेश्चंस उसमें होते हैं, आपसे रिलेटेड ही होते हैं, ताकि वो आप लोगों को जान सके कि आप कैसे हो रियल लाइफ में। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई कितने राउंड होते हैं, जीडी क्या होता है, ये सब किसी को नहीं पता, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई जीडी होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, तो सबसे पहले आपका होता है GD1, तो जैसे ही आप GD1 क्लियर कर लेते हो देन आपका होगा GD2, देन जैसे ही आप GD2 क्लियर कर लेते हो तब आपका होगा PI, PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो आप TV पे देखते हो सारे जजेस बैठे होते हैं एंड ऑडिशन होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 ऑडिशन क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आप पहुँचोगे TV पर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि भाई अपने फॉर्म में उल्टा सीधा कुछ भी मत लिख कर आना, ये तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी बेइज्जती होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। सो मेक श्योर आप बिल्कुल सही चीज़ें लिख कर आओ, जो भी रियलिटी है वो लिख कर आओ एंड कुछ भी फालतू का ना लिख कर आओ। सो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि GD1 एंड GD2 के ऑडिशन आपका कौन लेगा, क्या वही जजेस लेंगे जो आपको TV में दिखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्लियर कर देता हूँ मैं कि GD1 एंड GD2 के ऑडिशन आपके लेंगे MTV रोडीज के जो भी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ये सब हैं, यही लोग आपका ऑडिशन लेंगे, यही लोग आपको सिलेक्ट करेंगे शो के लिए, ठीक है। अब आप लोग पहुंच जाते हो अपने GD के ऑडिशन में। सो GD के ऑडिशन में आप लोगों को डाउट होगा कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों का वो इंट्रोडक्शन लेंगे, तो अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया से तैयार करके जाना। सेकेंड मेन एंड 99% पूछने वाला सवाल यही है कि आप रोडी क्यों बनना चाहते हो। सो ये फालतू का जवाब भाई वहाँ पे मत देना कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ एंड ये मेरा सपना है इसलिए मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ, तो ये सब फालतू के भाई आंसर मत देना, क्योंकि ये सब सुन सुन के भाई वो इतने सालों से बहुत बोर हो चुके हैं, तो कुछ यूनिक सा अपनी तरफ से सोच के जाना अच्छी चीज, जो कि सुन के उनको लगे कि हाँ ये जेन्युइन। सो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि GD के ऑडिशन देने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो क्या 2 दिन बाद फोन आता है, 3 दिन बाद फोन आता है, कब फोन आता है आपके पास। सो आप लोगों को मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि GD ऑडिशन जैसे ही आप दोगे, सो अगर आपका GD जल्दी हो गया मॉर्निंग में ही, तो आपका सेम डे ही आपके पास कॉल आ जाएगी नाइट तक। इफ अगर आपका GD थोड़ा सा लेट हुआ, इवनिंग तक हुआ, तो आपके नेक्स्ट डे तक कॉल आ सकती है। सो इसलिए बस नेक्स्ट डे तक का आपको वेट करना है, अगर कॉल ना आए तो आप समझ जाना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो सारी चीज़ हटा के मेन चीज पे आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि वहाँ पे पार्शियलिटी होती है या नहीं होती। सो आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से। सो लास्ट ईयर का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि लाइन में तो पार्शियलिटी होगी, मतलब लास्ट ईयर में चंडीगढ़ के लाइन में खड़ा था एंड मेरे जस्ट पीछे 2 सरदार जी खड़े थे लास्ट ईयर के मिस्टर पंजाब, तो जैसे ही लाइन में वो खड़े थे तो अंदर से किसी टीम के बंदे ने उनको देखा एंड उन्होंने उनको लाइन क्रॉस करा दी। तो इतनी थोड़ी बहुत पार्शियलिटी तो भाई वहाँ पे होती है, बाकी अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं पार्शियलिटी वाला,
बट बाहर लाइन में तो थोड़ी बहुत होती है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एंड डाउट, जो लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आप लोगों के सारे डाउट्स होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रिपेयर किस तरीके से होके वहाँ पे जाना है। जो भी चीज़ मैंने नोटिस करी वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी नोटिस करी जाएंगी। सो आपको उस तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करके जाना है पहले से ही। सो नंबर वन पे आता है आपका लुक्स। तो सबसे पहले आपका वो लुक्स देखेंगे, लुक्स में जो भी आपका बेस्ट क्लोथ्स हैं, जैसे भी आप बन के जा सकते हो बिल्कुल बेस्ट, तो लुक्स में आपको हमेशा अपना नंबर वन देना है, बिल्कुल लोगों से हटके लगना है वहाँ पे, ठीक है। सेकंड जो चीज आपकी वहाँ पे नोटिस करी जाएगी, वो नोटिस करी जाएगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। वो रैंडमली आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको उसका इंस्टेंट जवाब देना है, ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं क्या जवाब दूं क्या नहीं दूं। तो अगर आपने सोचा तो आपका चांस गया, तो इसलिए आपको इंस्टेंट जवाब देना है। बट इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी फालतू का जवाब दोगे, सोच समझ के फटाफट से इंस्टेंटली आपको जवाब देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करके जाना। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है टैलेंट। तो ऑब्वियसली सभी लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बट वहाँ पे जीटी रूम बहुत छोटा सा होता है, मतलब आपके पास बहुत छोटी सी स्पेस होती है। सो आपको अपना वैसा ही टैलेंट बताना है जो कि आप वहाँ पे परफॉर्म कर सको। ये नहीं कि आप बोलो कि मैं के जी की डेडलिफ्ट मार सकता हूँ एंड मैं बेंच प्रेस मार सकता हूँ 100 के जी का, तो उससे उनको लेना देना नहीं है भाई, वो वहाँ पे जिम का सेटअप तो आपको लगा के नहीं देंगे ना। तो छोटा सा स्पेस ही है, तो वहाँ पे जो भी आप टैलेंट दिखा सकते हो अपना, वो आपको फुल प्रिपेयर करके जाना है। लास्ट ईयर मैं अपने गिटार लेके गया था, मैंने अपना म्यूजिक दिखाया था, बहुत सारे लोग वहाँ पे पुशअप्स करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे योगा करते हैं। छोटे से स्पेस में आप जितना बेस्ट कर सको आपको उतना अपना बेस्ट करना है, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस होकर वहाँ पे जाना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर। मतलब वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा भाई, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होकर जाना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना आपको वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है, जो भी आपकी अचीवमेंट होगी वो आपको ज़रूर उन लोगों को बतानी है। कोई आपने कॉम्पिटिशन खेला हो, आपने ट्रॉफी जीती हो, या आप कोई क्रिएटर हो यूट्यूब के, आपके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप कोई इंस्टाग्राम के क्रिएटर हो, आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये अचीवमेंट आपको वहाँ पे ज़रूर बतानी है। तब वो थोड़ा सा आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई जिस बंदे को इतने ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ तो बात होगी ना। तो इस पॉइंट से बहुत फर्क पड़ने वाला है, तो वो चीज़ आप अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर बताना वहाँ पे। सो ये थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एंड मेरी तरफ से कुछ सजेशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और भी कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा कमेंट में। एंड अगर आपको फॉर्म देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना। सो जल्दी से मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा फॉर्म की, आप लोगों को पूरा फॉर्म दिखा दूंगा किस टाइप का होता है, बट ओनली जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट करोगे तब। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, बढ़िया से इस बार सारे ऑडिशन देना अपना एंड सिलेक्ट होना। एंड मैं भी इस बार जाने वाला हूँ दिल्ली एंड चंडीगढ़ में, तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, टाटा।